8. वेदा अपने कदम पीछे की ओर करने लगे, क्योंकि कोई आ गया था, कोई ऐसा जिससे वेदा भी डर रहे थे। वेदा, क्या हुआ, तुम पीछे क्यों आ रहे हो? निशांत ने पूछा, जिस पर वेदा कहते, इस जंगल का राजा आ गया। कि तभी उस टूटे पेड़ से कोई तेजी से निकला, उसने वेदा पर सीधा वार किया। वेदा दूर जाकर गिरे। पापा, आप आ गए मुझे बचाने के लिए। वेंटिटी इतना बोल उस पेड़ के पास गई तो उस पेड़ के पास एक 10 फीट लंबा शख्स आकर खड़ा हुआ, जिसका शरीर काफी लंबा चौड़ा था, बड़ी बड़ी मूछें थी और आंखों में आग जल रही थी। वेदा समझ गए कि उनका सामना किसी और से नहीं बल्कि उन आदिवासियों के मुखिया से होने जा रहा है। सारे आदिवासी जमीन पर सर झुकाकर बैठ गए और अपने मुखिया की जय जयकार करने लगे। मुखिया ने एक बड़े से पेड़ की टहनी तोड़ी और वार किया निशांत और ऑफिसर सिंह पर। वो दोनों दूर जाकर गिरे। वेदा उठकर आए और उससे लड़ने लगे, पर वो बेहद ही ताकतवर था। वेदा का उसके सामने टिक पाना थोड़ा मुश्किल था, पर वेदा अपनी पूरी शक्तियों का आवाहन करते हैं पर कुछ भी नहीं होता। वो उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। वो वेदा को उठा उठा कर यहाँ वहाँ फेंक रहा था। निशांत और सिंह उसे बचाने आते तो वो भी बीच में पीछे जाते। वेदा को उसने उठाया और एक पेड़ पर जोर से मारा, जिससे वेदा के मुंह से खून निकल आया। वो उसे उठाते हुए अपने कबीले में लेकर जाता है और वहाँ पर वेदा को बहुत मारता है। वेदा के कान से भी खून बहने लग जाता है। उन आदिवासियों के मुखिया ने वेदा को उठाया और जमीन पर जोर से पटका, जिससे जमीन में गड्ढा हो गया और वेदा का सर किसी चीज से टकराया। वो उसे पकड़ते हैं और उससे मुखिया को मारने के लिए उठाते हैं तो उस चीज के बाहर आते ही सारे आदिवासी बैठ गए, और वो एंटिटी भी और वो मुखिया भी। वेदा ने गौर से देखा तो ये वही मूर्ति लग रही थी जिसकी उस त्यौहार से पहले उन्होंने पूजा की थी। वो मूर्ति एक सफ़ेद पक्षी की थी। एक सफ़ेद पक्षी, यह पक्षी जाना पहचाना लग रहा था। वेदा के सर से नाक से खून बह रहा था। किसी तरह वो खुद को संभालते हैं और आगे आते हैं। तुम सब इनकी पूजा करते हो? जिस पर राजकुमारी आगे आई और बोली, हाँ, ये हमारे इष्ट हैं, इन्होंने हमारी रक्षा की है। ये वन और जानवरों को बचाने में हमेशा आगे रहते, ये हमारे पूज्य हैं। ये सुन वेदा लंगड़ाते लंगड़ाते उस मुखिया के पास गए और बोले, अलग ही लोग हो तुम, मुझे नहीं पहचाना। तुम सब मुझे पहचानोगे भी कैसे, क्योंकि मैं मनुष्य रूप में हूँ। मुझे गौर से देखो, मैं यही हूँ, मतलब इनका अंश हूँ मैं, उनका अंश जिनके तुम पूजा करते हो। गौर से देखो। इतना बोल वेदा ने अपना हाथ हवा में उठाया, जिससे वो टैटू चमका और उस बड़े पक्षी की आवाज चारों तरफ गूंजी। वो सब वेदा के सामने झुककर बैठ गए। मुखिया आगे आया और वेदा से बोला, हमें माफ कर दीजिए प्रभु, हमने आपको पहचाना नहीं, पर आप इंसानी रूप में। जिस पर वेदा उसको सारी कहानी सुनाते हैं और सब बताते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था। मैं उनका बस एक अंश हूँ, पूर्ण रूप नहीं, पर तुम मुखिया बहुत शक्तिशाली हो। इतने सालों के बाद मुझे कोई ऐसा मिला जिसने मेरे पसीने छुड़वा दिए और मुझे हरा दिया। मान गया मैं तुम्हें। वेदा हाफते हाफते एक पत्थर पर बैठे। उतनी देर में निशांत और ऑफिसर सिंह आए और उन आदिवासियों को और मुखिया को वेदा के सामने झुका देख हैरान रह गए। वेदा, ये सब क्या है? अभी तो ये तुमसे लड़ रहे थे और अब? जिस पर उन्हें शांत कराते हुए वेदा बोले, डरने की बात नहीं है, हम सबका मिशन एक ही है, बस तरीके अलग हैं। हम सब जंगल को बचाना चाहते हैं, चाहते तो ये भी हैं, बस इनका तरीका थोड़ा सा गलत है। जो भी हो ठीक है, तुम इंसानों को ख़त्म मत करो, नहीं तो इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। वो मुखिया आगे आया और बोला, तो आप बताओ हमें क्या करना चाहिए, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे।
जिस पर वेदा मुस्कुराए और बोले, तुम इसी जंगल में रहो, ऑफिसर सिंह का साथ दो। कोई भी अगर जंगल को नुकसान पहुंचाने आए या जानवरों को मारने आए तुम उसे मारो मत, बस बेसुध कर दो। ऑफिसर सिंह को बता दो, और हाँ, मैं तुम्हें इतनी छूट देकर जा रहा हूँ, अगर कभी ऑफिसर सिंह कोई अच्छा एक्शन ना ले तो तुम एक्शन ले लो। मारना है मारकर, जमीन में गाड़ना है, जो मर्जी करो, बस वो कीड़े उन्हें ना खाएं, वरना वो जॉम्बी बन जाएंगे और बाहर निकल आएंगे। सब ने वेदा को नमन किया और वापस से उन्हीं पेड़ों में चले गए, और निशांत और ऑफिसर सिंह के मुंह खुले के खुले रह गए कि आखिर ऐसे कैसे हुआ, इतनी ताकतवर स्पिरिट वेदा के सामने कैसे झुकी। वेदा बताइए तो, ये आपके सामने झुके कैसे और ये सब क्या हो रहा है? एकदम से वेदा ने उस राजकुमारी को रुकने को कहा। सुनो राजकुमारी, तुम्हारा काम है, जाओ अशोक नारायण के पास, तुम्हें उसको मारना है मार दो, और सुनो सिर्फ अशोक नारायण को ही मारना, ठीक है? जिस पर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आई और वो तुरंत वहां से चली गई। अशोक नारायण जैसे और भी लोग आएंगे और उनके लिए यही काफी है। ऑफिसर सिंह, मैंने तुम्हारा काम तो आसान कर दिया, चलो अब यार, बहुत मारा साले ने, शरीर दर्द हो रहा मेरा, अरे सहारा तो दे दो कम से कम। वो तीनों हंसते हंसते ऑफिस जाते हैं और रिपोर्ट्स को साइन करके भेज देते हैं। रिपोर्ट्स में लिखा, जंगल में कुछ घुसपैठी आ गए थे जिन्हें पकड़ लिया गया, सारे एम्बुलेंस उच्च अधिकारी सब वापस चले गए, मीडिया वाले शांत हो गए और जंगल पहले की तरह हो गया। अब अगर कोई भी जंगल में जानवरों को या पेड़ों को नुकसान पहुंचाने आएगा तो उसका सामना राजकुमारी से होगा जो जंगल की रक्षा कर रही है। वहीं वेदा वापस से बनारस आ गए। कितने दिनों बाद वो बनारस वापस आए, और सौभाग्य की बात यह थी, जैसे ही वो पहुंचे तब गंगा आरती हो रही थी। मुंह हाथ धोकर वो गंगा आरती में शामिल हुए। वो बस आंखें बंद किए बैठे हुए थे कि अचानक से उन्हें एक दृश्य दिखने लगा, एक अजीब सा दृश्य। ढेर सारे कौवे उस जंगल में यहां वहां मंडरा रहे हैं, और उनमें से एक कौवा बहुत ही बड़ा है जो उन कौवों के बीच में घूम रहा है। वो कौवे, वो जो कीड़े हैं सफेद रंग के बड़े बड़े, उन्हें उठाकर वहां से जाने लगे, और बड़ा कौवा उतरा और वहां पर पड़ी एक लाश को उठाकर चला गया। वेदा का सर फटने लगा, ऐसा कौन सा कौवा है और यहां पर वो कीड़े लेने क्यों आए हैं? उनके दिमाग में बातें घूमने लगी, पर वेदा एकदम से चौंक गए, वो खड़े हुए। उन्हें लगा कहीं ये कालराज तो नहीं, वो शैतान का सेवक, और उन कीड़ों को ले जाकर कहीं इंसानों पर प्रयोग तो नहीं करेगा, कहीं वो इंसानों को ज़ॉम्बी तो नहीं बनाना चाहता। पर यह बस एक हेलुसिनेशन भी हो सकता है, क्योंकि इतने दिनों से वेदा ने आराम नहीं किया था, पर इसकी तह तक जाना जरूरी था। उन्होंने ऑफिसर सिंह को कॉल मिलाया और पूछा कि क्या वहां पर कौवे आए थे, जिस पर काफी देर सोचने के बाद ऑफिसर सिंह ने कहा, वेदा कौवे तो आते जाते रहते हैं, जंगल है ये, जब कोई जानवर मरता है तो भी कौवे आते हैं, पर हाँ आज शाम को एक जगह पर वो बनारस वापस आए। और सौभाग्य की बात यह थी, जैसे ही वो उसी पेड़ के पास जाना जहां पर वो राजकुमारी है, और उसे कहना कि वेदा ने पूछा है उन कीड़ों के बारे में, उन कीड़ों को खत्म कैसे किया जाए, वो काम कैसे करते हैं, मुझे उनके बारे में सब कुछ जानना है। ऑफिसर सिंह ने हामी भरी और निकल गए उस राजकुमारी की ओर। पर आखिर ऐसा क्या हो गया था जो वेदा को उन कीड़ों के बारे में जानना था? खैर, अगले दिन की सुबह ही सिंह ने फैक्स से रिपोर्ट भेजी, और जो जो उस राजकुमारी ने बताया था सब उस फाइल में लिखा हुआ था। वेदा उसे पढ़ना शुरू करते हैं। उस राजकुमारी का कहना है कि ये कीड़े इंसानों को खाते हैं और साथ साथ में उसके दिमाग की नसों से जुड़ जाते हैं, जिससे उन्हें ऑक्सीजन मिलने लग जाता है और वो दिमाग कुछ देर के लिए जिंदा हो जाता है, पर इंसान की तरह व्यवहार नहीं करता, वो कीड़ों के कंट्रोल में होते हैं। निमारने का कोई सामान्य तरीका नहीं है, पर हाँ, अगर इन्हें नमक में बहुत देर तक रखा जाए या इंसान का मांस ना दिया जाए तो ये मर जाएंगे। काफ़ी डिटेल में बताया राजकुमारी ने, मतलब अगर ये कीड़े दिमाग से जुड़े तो वो दिमाग
कीड़ा कंट्रोल करता है। कीड़े वहीं पर अंडे देगा, उसके बच्चे शरीर को खाएंगे, कीड़ा दिमाग को खाएगा और कम से कम 2 दिन, उससे ज़्यादा ही जिंदा नहीं रह सकते। पर आखिर कालराज को ये कीड़े चाहिए क्यों? क्या करेगा वो इनसे? वेदा सर खुजाते रहते हैं और ये सोचते सोचते उनका पूरा दिन निकल जाता है।